आज अब दुविधा में पड़ गया हूँ। जान देता हूँ तो जीवन गवाता हूँ, जिंदा रहता हूँ तो राजकुमारी गवाता हूँ। मैं क्या करूँ, राजकुमारी के बगैर मेरा जीवन ऐसा है जैसे घोड़े के बगैर घुड़सवारी करना। मैं मरता हूँ राजकुमारी। हमारा आसमान पड़ गया, हम मर रहे हैं, तुम हंस रहे हो दड़ियल। अरे निर्बोध, ऐसी कौन सी बुद्धता आ गई है जो तू आत्महत्या कर रहा है? मेरी बदकिस्मती, मेरा दुर्भाग्य, इससे बढ़कर दुविधा क्या हो सकती है? मेरे प्रेम की कश्ती में मेरा दुश्मन चप्पू चला रहा है। मेरी महबूबा जिससे मैं प्रेम करता हूँ, शादी कर रहा है उससे, वो माली का बेटा रामू। अब तो चाहे मेरे वजन से उज्जैन के सारे पेड़ टूट जाए, लेकिन मैं आत्महत्या करके रहूंगा, जान दे के रहूंगा। का है वो दूसरा पेड़? ठहर जा पाछड़मल। है? ठहर जा चंचल पाछड़मल। पाछड़मल, इतनी जल्दी मत मर, जिंदा रहेगा तो सुख भोगेगा। सुख? मेरे भाग्य में सुख कहाँ? रो मत पहाड़ समान, रो मत। हम तेरा ब्याह राजकुमारी से रचाएंगे। आप? मेरा ब्याह? कैसे कैसे? हमारा विश्वास कर, हमारे पास मंत्र विद्या की शक्ति है, हमारी बात मान। अगर आप इतनी विनती करते हैं, है? चुप। मैं अपनी जान देकर आपको निराश नहीं कर सकता। कहिए मैं क्या करूं आपके लिए? जय पाताल भैरवी, ला ये ले। ये बांसुरी नहीं है, दूर देखने के लिए है। इधर से नहीं रे, इधर से देख। कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? आपकी दाढ़ी में तिनका। इधर नहीं, उधर देख। माया महल। अंदर देख। माया महल में? माया महल में पूजा का कमरा। पूजा के कमरे में संदूक। संदूक में? संदूक में एक मूर्ति। जय पाताल भैरवी। अब तेजी दिखा, जल्दी से माया महल जा, वो मूर्ति मेरे पास लेकर आ, और मैं उसी समय तेरी शादी राजकुमारी से करवाऊंगा। आज तक तुमने ऐसे धूम धड़ाके की शादी देखी है? हनुमान जी आप यहाँ? मैं मेहमानों के स्वागत का इंतजाम यहाँ करता हूँ, आप बैठे हुए मेहमानों को देखिए, जाइए जाइए। ठीक है। ऐसी शादी तो हमारी भी इतनी धूम। अरे बाप रे, ऐसा लगता है जैसे मैं कुरुक्षेत्र में परमदेव से निकलकर चक्रव्यूह तोड़ के बाहर आ गया हूँ, और वो भी इस उंगली बराबर मूर्ति के लिए। खोदा पहाड़, निकली जिंगर। लगता है उस दड़ियल जादूगर का दिमाग खराब हो गया। अगर वो चाहता तो एक मंत्र पढ़ के ऐसे लाखों खिलौने मंगवा सकता था, आम फट कह के, मगर नहीं। जय पाताल भैरवी। मानव, बोल क्या इच्छा है तेरी? कौन हो तुम? मानव, बोल क्या इच्छा है तेरी? मानव, बोल क्या इच्छा है तेरी? मानव, बोल क्या इच्छा है तेरी? मानव, 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 बोल क्या इच्छा है तेरी? मेरी इच्छा तो बहुत है, मगर तुम यहाँ से जाओ, जाओ। अरे बाप रे, ये क्या मुसीबत लाने भेज दिया मुझे। अगर चाहता तो शाही खजाने से हीरे जवाहरात मंगवा सकता था, अगर चाहता तो राजकुमारी को मंगवा सकता था, मगर नहीं। जरूर इस छोटी सी मूर्ति में कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। ठीक है, अभी मेरे भेजे की नजाकत में ताकत आ रही है, इस मूर्ति में अवश्य कोई चमत्कार है, अभी देखता हूँ। जय पाताल भैरवी। मानव,
बोल क्या इच्छा है तेरी? राजकुमारी इंदु को मेरे चरणों में हाजिर कर सकती हो? तथास्तु। दादी, दुल्हन दादी। इंदु, मती। तुम, मैं यहाँ कैसे आई? तुम मेरे जादू की शक्ति से अपने लगन मंडप से निकलकर मेरे प्रेम मंडप में आ गई हो। क्या? मैंने तुम्हारे सुंदर गले में बांधने के लिए मंगलवार को ही मंगलसूत्र बनाया था। अपना गला आगे करो इंदुमती। बेशरम बुजदिल काय, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। वो दिन गए जब पसीना गुलाब था, तेरे प्यार में चंचल का दिल बेकरार कबाब था। हमने तुझे छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है, बड़ी मुद्दतों से पकड़ में नहीं आई, अब जाके पकड़ा है। जय पाताल भैरवी। मानव, बोल क्या इच्छा है तेरी? देवी माँ, मुझे इस राक्षस से बचाओ, मुझे मेरे रामू के पास पहुँचा दो। मानव, बोल क्या इच्छा है तेरी? देवी माँ क्षमा कीजिए, मैं तो भूल गया था, मुझे राजकुमारी को माया महल समेत किसी दूसरी जगह उज्जैन से दूर पहुंचा दीजिए। ओ, ये निर्बोध अब तक आया क्यों नहीं? आता ही होगा गुरु, कोई आसान काम करने थोड़ी गया। हो सकता है वो हमारी क्या समझ गया हो? अपनी चोंच बंद कर चटकरी। महाराज, अधिराज, प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज, अब बताइए आपका माया महल, शाही सवारियां और पालकियां कहां हैं? कहां गुम हो गई आपकी शान और शौकत? कहां है हमारी इंदु? बताओ, जवाब दो। खामोश क्यों? बोल बेटे, तू बोलता क्यों नहीं? सच क्या है महाराज को साफ साफ बता दे, बता दे बेटे। वो मूर्ति गायब हो गई। मूर्ति के गायब हो जाने से राजकुमारी का क्या संबंध है? बोलो। ये ऐसे नहीं बोलेगा महाराज, इसकी फरेबी जबान से सच्चाई उगलवाने के लिए इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। सिपाहियों। नहीं नहीं महारानी जी, महाराज मुझ बूढ़ी विधवा पर दया कीजिए, मेरे बुढ़ापे का यही एक सहारा है, इसे मत छीनिए, मैं आपके चरणों पर। दादी जी। महाराज, आज की इस घटना के कारण जो दुख आपको पहुंचा है उससे ज्यादा दुख मेरे दोस्त रामू के दिल को पहुंचा है। क्षमा चाहते हुए मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ महाराज, आपने अपनी सुपुत्री राजकुमारी इंदुमती का हाथ रामू के हाथ में क्यों दिया? क्या इसका साहस, इसकी हिम्मत देखकर? नहीं महाराज नहीं, बल्कि रामू के हासिल किया गया माया महल, पालकियां, सवारियां और इसकी शान शौकत को देखकर। महाराज, आपने कभी इस बात का विचार ही नहीं किया कि रामू जो कल तक एक मामूली गरीब इंसान था, उसने सारी दौलत कैसे हासिल कर ली, कहां से हासिल कर ली? तो महाराज सारा दोष रामू पर ही क्यों? दोष तो आपका भी है। हनुमान ठहरो, ये युवक सच कह रहा है। वाह, उत्तम, बहुत खूब। हमारी राज्यसभा के मंत्री जो बात हमें याद न दिला सके वो तुमने दिला दी। सिपाहियों, रामू को छोड़ दो। महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? हम ठीक कर रहे हैं, अगर राम अपराधी है तो हम भी अपराधी हैं। राम को छोड़ दिया जाए। महाराज, मैं वचन देता हूँ कि ये जीवन सिर्फ राजकुमारी की तलाश में लगा दूंगा। मैं जमीन आसमान धरती पाताल एक कर दूंगा, लेकिन उसे किसी भी सूरत में तलाश करके आपके सामने हाजिर करूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। भगवान तुम्हारा साथ दे। छोड़ दो मुझे। धोखा, भयंकर धोखा। अरे क्या हुआ गुरु? क्या हुआ बेटा? उस निर्बुद्ध को पाताल भैरवी की शक्ति का पता चल गया। ताकत ताकतवर के पास और जादू जादूगर के पास ही होता है पंगल टालू। ये रही पाताल भैरवी। जय पाताल भैरवी। मानव, बोल क्या इच्छा है तेरी? इस महल को हम सब के साथ मेरे ठिकाने पे पहुंचा दिया जाए। तथास्तु। डिंगरी, ये आईने में कौन है रे? सुंदरता का सम्राट, जवानी का उबलता हुआ सौंदर्य, अरे तू मेरा कैसा चेला है रे?
तूने आज तक मुझे आईना नहीं दिखाया। गुरु कहते हैं कभी कभी आंखें धोखा देकर वो दिखा देती हैं जो होता नहीं। प्यासा चमकती हुई रेत को पानी समझकर उसके पास जाता है मगर उसे पानी नहीं गरम जलती हुई रेत मिलती है। जब घड़े में अशुभ बात मत कर। आज हम मन के रेगिस्तान में प्रेम की ठंडी उछलती झील में नहाने जा रहे हैं। गुरु चले जाओ निकल जाओ यहाँ से। ले लो डायनो निकल जाओ निकल चले जाओ चले जाओ जाओ यहाँ से निकल जाओ। मैं कैसी हूँ तब हो जाओ। डरते क्यों हो गुलिस्तान हुस्न? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आम हो तेरे नैनों में जो भय भरा है उसे निकाल दे क्योंकि ये बर्छी बनकर मेरे दिल में चुभ रहा है गुलफाम। तुम अपने आप को एक महान मांत्रिक कहते हो। महान लोग ऐसे नीच हरकतें करते हैं। नीच? जंग और मोहब्बत में सब जायज है। ये मांत्रिक दुनिया पे जादू करता है और तेरे हुस्न ने इस मांत्रिक पे जादू किया है मेरी बुलबुल। मेरे नजदीक मत आना। बुलबुल तुम गुस्सा मत किया करो। गुस्से में तुम और खिल जाती हो। प्रेम की आग बनकर मेरे रोम रोम में उतर जाती हो। मैं अंदर से जल रहा हूँ। मेरे मन की आग को अपने प्रेम की वर्षा से ठंडा कर दो। जी, प्रेम और तुझसे? कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? तू बदसूरती से भी ज्यादा भयानक है। अरे मैं तो इंसान हूँ। चुड़ैले और राक्षसनियाँ भी तेरे करीब आने से डर जाएंगी। तू दरिंदे और जानवर से भी भयंकर है। आम हो। की पड़तालू बकवास बंद। तू मेरा अपमान करके मेरे मन के क्रोध के बारूद पर नफरत की चिंगारियाँ छिड़क रही है। अरे क्या वो भिखारी राम जिसे तू चाहती है मुझसे बढ़कर है? बढ़कर? अरे तू उसके पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है। मेरे दिल में सिर्फ रामू के लिए प्रेम है और रहेगा। तेरा मंत्र तेरा जादू पहाड़ों को उखाड़ कर फेंक सकता है लेकिन मेरे दिल से उसका प्रेम नहीं मिटा सकता। अच्छा मैं तुझे गुले गुलफाम कह रहा हूँ और तू मुझे नफरत के कांटे चुबा रही है। अच्छी बात है। अब देख मैं उसकी क्या दुर्गत बनाता हूँ। उसको यहाँ तेरे सामने लाकर उस पर बहुत अत्याचार करूंगा कि राक्षस भी घबरा कर अपनी आंखें बंद कर लेंगे। देख जय पाताल भैरवी। बोल क्या इच्छा है तेरी? इस जिद्दी लड़की के उस भिखारी प्रेमी रामू को बांध कर हमारे सामने पेश किया जाए। तथास्तु। देख तेरे होने वाले पति को जो न हो सका जो मंडप में तो बैठा मगर बेचारा फेरे न ले सका। आम हो। रामो, रामो, नहीं। रामो, रामो। इंदु। रामो, रामो, छोड़ दो, रामो। धोखेबाज, मैं देवी को साष्टांग नमस्कार कर रहा था और तूने देवताओं की शक्ति को ललकारने वाले इस मांत्रिक का सर काट डाला। आम फट। आप राम का नाम भूलो मेरे प्यार का जाम अपना ले वरना ये बेचारा काम से चला जाएगा। अरे बुज़दिल एक बार मेरी रस्सियां खोल दे फिर देख मैं तेरा क्या हशर करता हूँ। खून न उगलवा दिया तो अपनी माँ का बेटा नहीं। इंदु डरो मत ये शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ए भयंकर भयभीत भोंचाल शुरू करो अपनी चाल। इंदु मत मारो इसे मैं तुम्हारे पांव पकड़ती हूँ। पांव नहीं मेरा हाथ पकड़ो मेरी बुलबुल। मेरा बस चले तो मैं हाथ नहीं पकड़ूंगी तेरा हाथ काट डालूंगी। और मारो बस करो मत मारो। लो मैं हाथ मुझे मारो मेरी जान ले लो। तुमने मेरी जान हो मैं अपनी जान की जान कैसे ले सकता हूँ मेरी बुलबुल।
देखो सरोजनी, मन भावनी, मैं तुम्हें सोचने का समय देता हूँ सिर्फ आज की रात। कल सुबह अगर तुम दुल्हन के रूप में सच के मेरे सामने नहीं आई तो तेरे सामने मैं तेरे इस डिम्बक का, इस पर कटे तोते का सर काट के देवी के चरणों में चढ़ाऊंगा। अरे कायरों के कायर, तू क्या, तेरे बाप दादा भी नरक से निकल कर तेरी मदद को आए तो भी तू मेरा बाल बंका नहीं कर सकता। आम हो, इस कुकरू को गुफा में ले जाओ और कल सुबह के लिए इसकी बलि का प्रबंध शुरू करो। ले जाओ।